चंपारण हांडी मटन की महक देश भर के कोने कोने तक पहुंच चुकी है। इस हांडी मटन के स्वाद ने कई लोगों को दीवाना बना रखा है। दरअसल हांडी मटन को बनाने के लिए चंपारण के ही खास कारीगरों के द्वारा तैयार किया जाता है। अगर इसकी मेकिंग की बात करें तो शुद्ध मसालों और कोयले के आग पर मटन तैयार करते हैं। कोयले की आँच पर हांडी मटन काफ़ी स्वादिष्ट बनता है। अगर आप भी चंपारण मीट के शौकीन है तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि पूर्णिया में आज चंपारण मीट हाउस के नई शाखा का भव्य शुभारंभ हुआ है। शहर के चित्रवाणी चौक भट्टा बाजार में चंपारण मीट हाउस खोला गया है, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि नगर निगम की उपमहापौर पल्लवी गुप्ता के द्वारा फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य लोग सहित ग्राहकों की भीड़ देखी गई। चंपारण मीट हाउस के संचालक ने बताया कि पूर्णिया में चंपारण मीट हाउस का यह पहला और बिहार का नौवां आउटलेट है। चंपारण मीट हाउस नॉनवेज के शौकीन लोगों के लिए खास अनुभव प्रदान करेगी। चंपारण के कारीगरों के द्वारा डिश तैयार किया जा रहा है। खास बात यह है कि मीट हाउस में तैयार किए गए सभी नॉनवेज के आइटम शुद्ध देसी व पारंपरिक मसालों से तैयार किए जा रहे हैं। जी सर, प्रथम तो मैं यहाँ के ऑनर विक्रांत जी, आशीष जी और निशान जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और ये चंपारण मीट हाउस जो बना हुआ है यहाँ, बिल्कुल ही चंपारण मीट हाउस जो चंपारण के स्टाइल में मीट का ये है। और यहाँ पे चिकन वगैरह जो भी है हांडी स्टाइल में जो बनना चाहता है वही बनेगा, जो बनने का ही है। और मैं उन्हें बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दे रही हूँ। पूर्णिया डेवलपमेंट कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। खास हमारा टेस्ट है और हमारा बनाने का तरीका, मटन का क्वालिटी, सारा कुछ हम लोग एक इंसान रखते हैं उस चीज के लिए, जा करके पर्सनली मटन वगैरह कटा करके सब कुछ पर्सनली लेके आता है, सब चीज शुद्धता मेंटेन करते हैं सब चीज का। ऑर्डर के जस्ट 5 मिनट बाद आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सारा कुछ रेडी रहता है हमारा। और आपको अहुना 2 मिनट में मिल जाएगा, स्टू 2 मिनट में मिल जाएगा। दो तरह का आइटम है मेरे पास, मेनली मटन में स्टू और अहुना। अहुना हांडी में बनता है हम लोगों का, मिट्टी के हांडी में, और कढ़ाई में बनता है स्टू हमारा। ओरिजिनल और डुप्लीकेट में कुछ चेंज अंतर आता है, ठीक है, वही अंतर है इस चीज में। ये ओरिजिनल है और वो डुप्लीकेट थे, कॉपीज हमेशा कॉपीज ही रहते हैं, ठीक है। ओरिजिनल का वैल्यूएशन अलग रहता है, तो उस चीज को हम लोग टेस्ट वैसा नहीं दे पाए होंगे वो लोग, हम लोग टेस्ट दे रहे हैं जी। हम लोग का रजिस्टर्ड है चंपारण। पूर्णिया वासियों से अनुरोध करेंगे कि आए एक बार विजिट करें, हम उनको बहुत अच्छा सेवा देंगे और उनको हम अपना बेस्ट देंगे। मेरा नाम आशीष राज हुआ और ये भट्टा बाजार चित्रवाणी चौक पे है, प्लीज आए आप लोग। ये कारीगर जैसे बिरयानी है हमारे यहाँ, बिरयानी हैदराबाद के कारीगर हैं, प्योर हैदराबादी दम बिरयानी बनाते हैं हम लोग। और बेतिया साइड के चंपारण के जिले के सारे स्टाफ है हमारे, क्योंकि चंपारण नाम है इसका, वहाँ का लोकेलिटी पूरा फेमस है वहाँ पे मटन का, कि कैसे बनता है, क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं हर चीज को, तो वहाँ का स्टाफ है हमारा मटन का। और चिकन का अलग जगह का स्टाफ है हमारा। होम डिलीवरी जोमेटो स्विगी सारा कुछ अवेलेबल हो जाएगा 2 से 3 दिन के अंदर। हमारा ये नम्मा ब्रांच है, चंपारण एक चंपारण जगह है, वहाँ का डिशेज था, उस डिशेज को हम लोगों ने पूरे बृहद पैमाने पे हर जगह बिहार के लगभग जगह पे अच्छे अच्छे बड़ों शहर में, बिहार झारखंड के भी अच्छे शहर में हम लोग का ब्रांच है। अभी 9वां ब्रांच ये हम लोग का ओपनिंग हुआ है। यहाँ पे मटन का डिशेज आता है, 2 डिशेज है हम लोग का मटन का, एक मटन अहुना है, एक मटन स्टू है। जो है ये हम लोग के खोलने की सबसे मेन रीजन क्या है कि लोग तो स्वाद के प्रति, जो जिन्हें ऑथेंटिक मिलना चाहिए, शुद्ध मिलना चाहिए, जो अगर लोग पैसे दे रहे हैं तो उसके हिसाब से उन्हें टेस्ट बट के हिसाब से टेस्ट भी आना चाहिए। तो हमारा ये था, हमारा ब्रांच भागलपुर में 2 है, धनबाद में 3 है। तो ये पूर्णिया शहर के लिए हम लोग नए थे, तो पूर्णिया में हम लोगों ने इस चीज़ की कमी महसूस की कि ये यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने यहाँ मटन के लिए स्पेशली कि नॉन वेज जो खाने के
शौकीन हैं उनके लिए एक ऑप्शन हमने क्रिएट किया है। बाकी तो लोग आग्रह करेंगे कि एक बार जरूर आए, वो अपने से खुद से रिव्यू दें हमें कि किस तरह का उन्हें स्वाद मिल रहा है, वो हम उनके पैमानों पे खरे उतरे हैं या नहीं। मटन अहुना सबसे ज्यादा जो चंपारण स्टाइल फेमस है, जो मिट्टी के हंडे में बनता है, उसमें ना पानी पड़ का कोई यूज नहीं होता है, वो लटपट मटन होता है और वो लकड़ी के कोयले में बनता है, मिट्टी के बर्तन में, जो कि उसमें एक सोनापन जो ट्रेडिशनल स्टाइल का वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। रेट की तो हम कहेंगे कि जो रेट बाकी जगह है वही लगभग रेट रहेगी, लेकिन हाँ शुद्धता की हम गारंटी दे सकते हैं। हाँ, मेरा नाम निशांत कुमार हुआ, ये भट्टा बाजार चित्रवानी चौक जी, हम लोग पार्टनर्स। और निशांत जी को बधाई देता हूँ, ये पश्चिमी चंपारण मीट जो है ये बिहार में उनका ये 8वां आउटलुक है और इससे पूर्णिया वासियों को काफी लाभ होगा। मैं उनसे निवेदन भी करूंगा वे उचित मूल्य पे यहाँ पे और सही चीज यहाँ पे दें, जिससे कि पूर्णिया वासियों को काफी लाभ होगा और मुझे आशा है, आशा ही नहीं विश्वास है कि वो काफी दिन दुनी रात दुनी तरक्की करेंगे। ये पूर्णिया के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है और मेन बाजार में खुलना और वेज और नॉन वेज का सारा अच्छा आइटम जो हम लोग एक इंतजार करते थे कि पश्चिम चंपारण का जो मीट खाने का जो मन होता था वो यहाँ पे उपलब्ध रहेगा, ये हम लोग के लिए खुशी की बात है। इसी तरह पूर्णिया में और नया नया ब्रांड और नए नए अच्छे अच्छी प्रतिष्ठानें खुलती रहे, जो यहाँ के लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़े, आने वाले समय में और बड़ी बड़ी प्रतिष्ठान और दुकान इसी तरह खुलती रहेगी। मेरी तरफ से बहुत बहुत उनको शुभकामना। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।